हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रमेश चौहान ब्लॉग पर। दोस्तों आज ब्लॉग का शुरुआत मैं दोपहर को कर रहा हूं और अभी मैं इधर छातावर साइड आया था। मेरा एक भैया जी हैं, उसको छातावर पहुंचा दिया था और अभी फिलहाल आ गया हूं 1 किलोमीटर जैसे आगे। और इधर देख सकते हैं, इधर सागौन का पेड़ लगाए हुए हैं। यही जगह मैं रुका हुआ हूँ और ब्लॉग का शुरुआत मैं यही कर रहा हूँ। दोस्तों आज का ब्लॉग, और एक बांस नर्सरी है वहाँ पर भी मैं जाऊँगा और वहाँ का नज़ारा दिखाऊँगा क्या क्या। ब्लॉग पे बने रही। ये देखिए दोस्तों, इधर का नज़ारा। आज मौसम भी वैसे ठीक ठाक ही किया है। यहाँ का ब्लॉग यहीं से ब्लॉग का शुरुआत किया आज। और इस साइड देख सकते हैं पूरा, इधर थोड़ा सा ऊंचाई ज़्यादा है और यहाँ पर लगाए हुए हैं बहुत सारे सागौन का पेड़ लगाए हुए हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, इस साइड छातावर रोड है आगे, और इधर भी देखिए सागौन का पेड़। इस साइड देखिए दोस्तों, इधर आगे घींचा गांव है और ऊपर घींचा गांव, और तो देख सकते हैं इधर का नज़ारा। उधर का दूर का पर्वत बहुत, मैं एक जगह रुका हूँ और इस जगह बहुत ही ज़्यादा पत्थर है। साइड देख रहे हैं बहुत सारा अच्छा दृश्य बादल का देख रहे हैं। वाह देखिए दोस्तों, बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्यूटीफुल देख सकते हैं चारों ओर। वाह बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। दोस्तों अभी मैं फ़िलहाल ऊपर खींचा के यहाँ पहुँच चुका हूँ और पीछे में देख सकते हैं एक मंदिर है, राधा कृष्ण मंदिर। तो मैं बैक कैमरा से दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए दोस्तों, राधा राधा कृष्ण। मैं सामने जाता हूँ। जय कृष्ण भगवान। अभी फ़िलहाल जैसे बंद है जैसे लग रहा है, देख सकते हैं। राधा कृष्ण मंदिर देख सकते हैं। यहाँ पर नाटक वाला प्रोग्राम भी लगता है दोस्तों ठंड महीना में, देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल गेट बंद है उधर, लेकिन देख सकते हैं गेट बंद है। तो मैं यहीं से बाहर से ही दर्शन कर लेता हूँ। अंदर जय दर्शन देख सकते हैं आप लोग भी। जय कृष्ण भगवान, जय बजरंगबली, जय हनुमान। आप लोग भी घर बैठे दर्शन कर लीजिए दोस्तों। तो मैं भी फिलहाल यहाँ से वापस जाता हूँ। ये वाला पेड़ मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है इसके नीचे बैठने के लिए। दोस्तों अभी मैं अकेला हूँ और बाइक को मैं खुद ड्राइव कर रहा हूँ और वीडियो इधर रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। ये ऊपर खींचा गांव है दोस्तों। मैं बांस नर्सरी पहुंच गया, एकदम बांस चारों ओर देख सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, बहुत ही बड़ा जगह में फैला हुआ है, लगाए हैं देख सकते हैं। ये बांस नर्सरी ऊपर घींचा में है दोस्तों, देख सकते हैं। और बहुत ही बड़ा जगह में फैला हुआ है, बस बांस ही बांस है दोस्तों। तो मैं यहाँ ज़्यादा देर नहीं रहता हूँ। इस बांस नर्सरी में पूरा बांस ही बांस है दोस्तों। और अभी फ़िलहाल मैं अकेला हूँ और दिखाने के लिए और कुछ नहीं है, तो मैं अभी यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रहा। मैं बाइक खुद ड्राइव कर रहा हूँ, अकेला हूँ, देख सकते हैं पीछे साइड कोई नहीं है। और अभी मैं खुद वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, देख सकते हो। बस धीरे धीरे जा रहा हूँ, तो मैं आगे का। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, देख सकते हैं। मैं अभी फ़िलहाल पल्सर 150 में हूँ, मेरा नहीं है, दूसरे जन का है दोस्तों। देख सकते हैं इधर का नज़ारा बहुत प्यारा लग रहा है दोस्तों। दो आदमी रहते तो वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए बहुत ही अच्छा बनता दोस्तों, देख सकते हैं। एक हाथ में एक्सीलेटर को पकड़ा हूँ और एक हाथ में मोबाइल को पकड़ा हूँ दोस्तों, देख सकते हैं। और आगे तरफ से बाइक भी आ रहा है। मेरे को ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं ब्लॉगर हूँ तो वीडियो तो आप लोगों के लिए बनाना ज़रूरी है दोस्तों, देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा अच्छा लग रहा है दोस्तों, बहुत ही प्यारा। फाइनली
दोस्तों मैं घर पहुंच चुका हूं और पल्सर बाइक चला के बहुत ही मज़ा लगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगा।